गाइस पागल एम10 हैक यूज करने की वजह से उसका फ्री फायर आईडी बैन हुआ है। अभी मजा आएगा ना भिड़ू। और गाइस ये ऑन लाइव स्ट्रीम में हुआ था। कैसा? और ये पहली बार नहीं, आगे भी बहुत कंट्रोवर्सीज कर चुका है बिनजायद गेमिंग के साथ, बॉस ऑफिशियल के साथ। उससे भी पहले ये फेक ऐप का प्रमोशन करता था, उससे भी पहले ये हैक यूज करता था, उससे भी पहले ये अपना आईडी किसी दूसरे बंदे से खिलवाता था। अरे बस कर भाई। और ये सब करके ये बंदा रुकता नहीं है, ये बंदा स्कैम भी करता है लोगों के साथ, इनके ऑडियंस के साथ, बट इसका पिकाचू ऑडियंस इसका तब भी सपोर्ट करता रहता है। अब्बा नहीं मानेंगे। और मेरे पास इसका प्रॉपर प्रूफ है, तुम देख लो। साथ स्कैम हुआ भाई, मुझे इतना बताओ। हाँ ये बात, तुम्हारे साथ स्कैम कैसे हो गया भाई? ऐसा है क्या मैंने तुमसे पैसे ले लिए उसके बाद तुम्हारे पैसे लौटा नहीं रहो? स्कैम का जाके ना गूगल करना स्कैम क्या होती है, ठीक है? तुमने फ्री में डाउनलोड किया, तुमको नहीं मिला भाई, क्या कह रहे हैं तुम्हारे अपने ऑडियंस के साथ इतना धोखा करने के बाद अगर कोई इनके खिलाफ वीडियो बनाते तो उनको एक्सपोज कर देता है, उनके माँ बाप उठाकर गालियाँ देता है, और एक किसी खास कम्युनिटी को टारगेट करके गालियाँ देता है, खास करके बिनजायद गेमिंग को टारगेट किया करके किया था। पहले के टाइम पे बॉस ऑफिशियल ने इसकी हैक का पोल खोला था, इसलिए बॉस ऑफिशियल को भी ये स्ट्राइक दे देता है। और इस नॉन स्टॉप गेमिंग में एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया था, जिस टूर्नामेंट में ये लाइव आके लाइव में हैक यूज करता है, तो नॉन स्टॉप गेमिंग इसे तुरंत ही पकड़ लेता है। उस वाले क्लिप को भी देख लो तुम लोग। ये रिफाइनरी से मार रहे थे, तुम कैसे देख रहे हो? और इसमें लास्ट में तुम लोगों को ये बताना है कि रियल गेम प्ले रियल टैलेंट को सपोर्ट करो, ना कि इन जैसे चोरों को सपोर्ट करो, क्योंकि इन जैसे चोरों की वजह से पूरा फ्री फायर कम्युनिटी गंदा हो रहा है। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी तरक्ता फरक्ता वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।